आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम इस समय तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और आप जानते हैं कि पिछली कड़ी में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि जो लोग ये मान कर चलते हैं कि हमारे शरीर से परे भी कोई ऐसी चीज़ है जो हमारा नियंत्रण करती है, तो तथागत उन्हें समझाने के लिए, यानी कि ये सम्यक दृष्टि की बात है, तो इस सम्यक दृष्टि के लिए जो मार्गदर्शन करते हैं उस मार्गदर्शन को इस वक्त हम लोग समझ रहे हैं। तथागत कहते हैं कि यदि कोई कहे कि मन यही आत्मा है तो ये भी ठीक नहीं है। तो तथागत यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई ये कहे कि मन ही आत्मा है तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मन की उत्पत्ति और निरोध दोनों दिखाई देते हैं। जिसकी उत्पत्ति और निरोध दोनों दिखाई देते हैं उसे आत्मा मान लेने पर ये मान लेना होता है कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और मरती है। अगर कोई कहे कि हमारा मन ही आत्मा है तो फिर उसे ये बात भी स्वीकारनी होगी कि भाई जब मन की उत्पत्ति होती है और मन का निरोध भी होता है तो फिर ये भी मानना होगा कि आत्मा पैदा भी होती है और आत्मा मरती भी है, लेकिन आत्मा का जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो ये है कि वो अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए ये भी नहीं माना जा सकता। तो मेरी आत्मा उत्पन्न होती और मरती है ये भी मानना होगा, और इसलिए मन आत्मा है ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो मन जो है वो है अनात्म, उसमें कोई आत्मा नहीं। फिर भी आगे कहते हैं कि यदि कोई कहे कि धर्म, यानी कि जो मन के विषय हैं जिसके द्वारा हम अपना जीवन संचालित करते हैं, यहाँ धर्म का अर्थ जो है वो ये है कि वो मार्ग जिसे हमने अपना जीवन यापन करने के लिए स्वीकार किया है, तो अगर ये मान के चलें कि भाई धर्म यानी कि जो मन के विषय है वो ही आत्मा है तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म की भी उत्पत्ति होती है और निरोध होता है और ये दोनों चीज़ें दिखाई देती है, क्योंकि हम कभी एक रास्ता जीवन जीने के लिए चुनते हैं, कभी उस रास्ते को छोड़ देते हैं, दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, और फिर जब एक रास्ता छूट जाता है तो छूटे ही जाता है। तो फिर मन के जो विषय है अगर इसे ही आत्मा कह दिया जाए तो फिर ये बात भी ठीक नहीं है, फिर उन्हें भी ये मानना होगा कि आत्मा उत्पन्न होती है और आत्मा मरती भी है। लिखा गया है कि जिसकी उत्पत्ति और निरोध दोनों दिखाई देते हैं उस आत्मा को मान लेने पर ये मान लेना होता है कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और मरती है, इसलिए धर्म आत्मा है ये ठीक नहीं है, धर्म भी अनात्म है। अब फिर उसके आगे की बात, तो क्या मनोविज्ञान आत्मा है? ये भी सवाल आ जाता है, बहुत से लोगों का ये मानना है कि मनोविज्ञान आत्मा है, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान की भी उत्पत्ति होती है और मनोविज्ञान का भी निरोध होता है। अगर ये मान लिया जाए कि मनोविज्ञान ही आत्मा है तो फिर ये भी मान लेना होगा कि आत्मा उत्पन्न होती है और आत्मा मरती भी है। तो इसलिए तथागत कहते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा है ये बात मानना ठीक नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान भी अनात्म है। अब देखिए, कि तथागत आगे बताते हैं कि यह कहीं अच्छा है कि वह आदमी जिसने सद्धर्म को नहीं सुना चार महाभूतों से बने शरीर को आत्मा समझ ले लेकिन चित्त को नहीं, वो क्यों? ये जो चार महाभूतों से बना हुआ शरीर है ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 6 7 साल तक भी एक जैसा प्रतीत होता है,
लेकिन जिसे चित्त कहते हैं, जिसे मन कहते हैं, जिसे विज्ञान कहते हैं, वह तो रात को और ही उत्पन्न होता है और दिन को और ही होता है और फिर उसका निरोध भी हो जाता है और दिन को कुछ और होता है। ये जो मन है ये परिवर्तनशील है, जो चित्त है इसकी धारा बदलती हुई है, ये एक जगह पर कहीं रुकी हुई नहीं है। अभी कुछ देर पहले कुछ और, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, रात में सोने से पहले कुछ और, सोकर उठने के बाद कुछ और। तो ये जो कुछ और है इसे आत्मा नहीं कहा जा सकता। फिर वे कहते हैं कि इसे अच्छी प्रकार समझकर यथार्थ रूप से यों समझना चाहिए कि ये जितना भी रूप है, जितनी भी वेदना है, जितनी भी संज्ञा है, जितने भी संस्कार है और जितना भी विज्ञान है, चाहे भूतकाल का हो, चाहे वर्तमान काल का, चाहे भविष्य का, चाहे अपने अंदर का हो अथवा बाहर का, चाहे स्थूल हो या फिर सूक्ष्म, चाहे बुरा हो या फिर भला, चाहे दूर हो अथवा समीप हो, वह न मेरा है, न वो मैं हूँ, न वो मेरी आत्मा है। और ये बात जब तथागत भिक्षुओं को समझाते हैं और सामने उपासक भी बैठे हैं, उन सबको जब ये बात समझाते हैं तो देखिए कि लोग उस आत्मवादी सिद्धांत से बाहर निकलते चले जाते हैं। और एक वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसके आधार पर हमारी चेतना, हमारा शरीर, ये दोनों के दोनों इस संसार का हिस्सा बने हुए हैं, यहां समझ सकते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन ये कैसा है। तो तथागत कहते हैं कि ये जितनी भी वेदना है, चाहे फिर जितनी संज्ञा है, विज्ञान है या संस्कार है, चाहे फिर भूतकाल के हो, चाहे वर्तमान के या फिर भविष्य के, फिर वो अंदर के हो, भीतर के हो या बाहर के, वो चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, ये सब के सब, चाहे बुरे हो चाहे भले हो, चाहे दूर हो चाहे पास हो, न तो वो मेरे हैं और ना ही मैं उनका हूँ। तो फिर वो क्या है? जो कुछ है वो मैं हूँ, लेकिन ये मैं भी मैं नहीं हूँ। तथागत जब इस बात को और भी बेहतर तरीके से समझाते हैं तो फिर वे बताते हैं कि ये चेतना वास्तव में कैसी है और फिर ये चेतना ही हमारे जीवन को कैसे संचालित करती है और यही हमें नैतिक या अनैतिक कार्य करने में कैसे उकसाती है, प्रेरित करती है, ये दोनों चीज़ें। और इसलिए तथागत कहते हैं कि ना वो मेरी आत्मा है, ना मेरा है, ना मैं वो हूँ। यदि मुझे लोग ऐसा पूछे कि तुम पहले समय में थे कि नहीं थे, तुम भविष्य में रहोगे कि नहीं रहोगे, तुम अब हो कि नहीं हो, तो उनके ऐसा पूछने पर मैं यही कहूँगा कि मैं पहले समय में था, नहीं था। ऐसा नहीं है मैं भविष्य में होऊंगा या नहीं होऊंगा, ऐसा भी नहीं है मैं अब हूँ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है मैं अब हूँ, ऐसा भी नहीं है मैं अब नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं है मैं भविष्य में होऊंगा या नहीं होऊंगा, ऐसा भी नहीं है और मैं भविष्य में था या नहीं था, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा के उत्क्रांति की बात है और ये ऊर्जा ऐसे ही आगे की ओर बढ़ती चली जाती है और ये बढ़ती चली जाती हुई ऊर्जा का ये जो सफ़र है, इस सफ़र में हम इस किसी रूप के साथ यहाँ खड़े हैं। तो आज की बात में हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, अगली कड़ी में इसी बात को आगे बढ़ाएंगे जब पुनः हम आज की बात की इस कड़ी का हिस्सा होंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, इस वादे के साथ रुकते हैं कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी।